हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूबीकॉम जो मॉडम है ONTA उसको जो कन्फ्यूजन है उसको कैसे सेव करेंगे सीखेंगे, एंड उसको उसका जो फाइल को सेव करेंगे वही फाइल को कैसे रेस्टोर करेंगे सीखेंगे आज। इसीलिए वो यूबीकॉम मॉडम को उसका जो एड्रेस है 192.168.1.200, देन हमको जाना होगा 192.168.1.200, उसका जो आईपी एड्रेस है वही वो देने से एक्सेस होगा। एंड देन यूजर नेम को हमको देना है एडमिन यूबीक्यू, एंड पासवर्ड भी वही है एडमिन यूबीक्यू। मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके। देन लॉगिन करना है, अभी आ गया। अभी वो जो हमारा अभी ऑलरेडी कन्फ्यूजन है वो जो कन्फ्यूजन है इंटरनेट का कन्फ्यूजन है, वॉइस का है, और वाईफाई का कन्फ्यूजन है, वो सब कन्फ्यूजन ऑलरेडी है। उसको हम एक फाइल में सेव करेंगे एंड देन उस वही फाइल को हम रेस्टोर करेंगे। तो 5G का कन्फ्यूजन अभी है, 2.4G का है, और सब भी पासवर्ड सब सेव है, सब ऑलरेडी है, हम उसको सेव करेंगे। इसीलिए उसको जाने के लिए सेव जो है वो जाने के लिए हमको जाना होगा मैनेजमेंट, एंड देन डिवाइस मैनेज, एंड देन कॉन्फ़िग फाइल, इधर जाना होगा। देन उस वो जो करंट कन्फ्यूजन है मैनेजमेंट में जाना होगा, देन डिवाइस मैनेजमेंट जाना होगा, देन कॉन्फ़िग फाइल में जाना होगा। उसके बाद ये जो डाउनलोड है उसी को क्लिक करना है। अभी देखिए हमारा कन्फ्यूजन फाइल डाउनलोड हो गया, वो जितना भी हमारा कन्फ्यूजन है वही फाइल में स्टोर है, हम उस उधर जाके देख भी सकते हैं। डाउनलोड वही फाइल को हम एडिट करेंगे, लास्ट गुड वर्क। देखिए हमारा सब कन्फ्यूजन ऑलरेडी सेव है, हम वही फाइल को अगर हम थोड़ा सेव कर वो यूजर नेम को थोड़ा मॉडिफाई करके भी हम नया जो यूजर नेम है उस उधर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे नया कन्फ्यूजन करेंगे नया यूजर आईडी से, वही उसी को एडिट करके हम सीख सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ वो डिफॉल्ट को डिलीट कर देंगे, उसके बाद वही रेस्टोर करेंगे, वो जो लास्ट बूट .xml फाइल है उसी को हम रेस्टोर करेंगे। तो हमारा ऑलरेडी है, अभी आप देख सकते हैं ऑलरेडी कनेक्टेड है, हमारा चल रहा है। और हम अभी क्या करेंगे उसी को पूरा डिलीट कर देंगे, जो करंट कन्फ्यूजन है उसको डिलीट करेंगे, उसके बाद वही इसी को रेस्टोर करेंगे। इसीलिए हमको जाना होगा मैनेजमेंट, देन डिवाइस पैनल, एंड देन आप देख सकते हैं लोड डिफॉल्ट मैनेजमेंट डिवाइस मैनेज लोड डिफॉल्ट एंड देन रेस्टोर फैक्ट्री कन्फ्यूजन, इसमें रेस्टोर। अभी उसको पूरा डिलीट कर देंगे, वो क्लिक करने से पूरा डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे वो जो फाइल है तो उसको हम रिस्टोर करेंगे। अभी थोड़ा सा हमें पॉज कर देता हूँ, उसके बाद वो कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप अभी देख सकते हैं हमारा पूरा जो करंट कन्फ्यूजन था पूरा रिमूव हो गया, अभी कुछ भी नहीं है, वो हमारा डिफॉल्ट कन्फ्यूजन आ गया। हम अभी क्या करेंगे वो जो फाइल हमारा पास है लास्ट बूट .xml फाइल है वो उसी फाइल को हम रिस्टोर करेंगे। तो इसके लिए हमें जाना होगा मैनेजमेंट में जाना होगा। अभी हमारा पूरा डिस्कनेक्ट हो गया और पूरा और डिफॉल्ट कन्फ्यूजन अभी है मॉडल में। अभी हम क्या करेंगे मैनेजमेंट में जाना है, डिवाइस मैनेज करना है, उसको जो कन्फ्यूज फाइल करना है, एंड देन जो हमारा फाइल है जो देखिए अब अपलोड कस्टम कॉन्फ़िग फाइल जो है उधर हमको चूज फाइल सिलेक्ट करना है, और जो हमारा लास्ट गुड जो है वो क्लिक करना है, देन ओपन करना है। अभी आ गया, अभी अपलोड करना है और कुछ नहीं। ये थोड़ा टाइम लेगा, 2 मिनट लेता है, और 2 मिनट में हमारा जो कन्फ्यूजन है आप देख सकते हैं, दी कन्फ्यूजन फाइल इज इम्पोर्टेड, प्लीज़ रिस्टार्ट द डिवाइस टू टेक एफर्ट।
ओके, हम अभी क्या करेंगे, कमिट एंड रिबूट कर देंगे। आप देख सकते हैं हम पूरा कन्फ्यूजन कंप्लीट हो गया। अभी हम जाना है नेटवर्क और हमारा जो जो पहले जो सेटिंग था वो सब सेटिंग आ गया। आप देख सकते हैं वो जो वाईफाई का भी सेटिंग और सभी जो सेटअप जैसे था प्रीवियसली वो सेटअप आ गया। 2.4G का देखिए, 2.4G, 5G और सब अभी हमारा कनेक्टेड भी हो गया। और बहुत आसान तरीका है ये, जो हम बैकअप लेते हैं वो ऐसे ही बैकअप लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे वो XML जो फाइल डाउनलोड हुआ है ना, उसको थोड़ा एडिट करके हम नया यूजर आईडी पासवर्ड देकर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसीलिए आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है, आप थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। नया सब्सक्राइब करने से हम नया नया वीडियो लेकर आएंगे।